उत्तर भारत में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों पर हिमपात होने की वजह से तापमान जवाब बिंदु से नीचे बना हुआ है। हरियाणा और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में धूप नहीं निकल रही। इस बीच भिवानी से संवाददाता दीपक मुटेजा ने ठंड पर लोगों से बातचीत की है। भिवानी में ठंड काफी अधिक पड़ रही है, हालांकि पूरा उत्तर भारत इन दिनों सर्दी से जूझ रहा है। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से भिवानी के अंदर लोग जो है ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, ताकि ठंड से जो है बचा जा सके, क्योंकि 7 डिग्री टेम्परेचर के अंदर काफी परेशानियों भरा ये समय हो रहा है। हालांकि डॉक्टर्स भी लोगों को यही राय देते हैं कि घर से बाहर जरूरी हो तो ही निकले। हम लोगों से बात कर लेते हैं किस प्रकार की ठंड जो है वो इन दिनों हो रही है भिवानी की अगर बात की जाए। भाई साहब, क्या कहोगे आप, जिस प्रकार से भिवानी शहर के अंदर अगर ठंड की बात की जाए तो किस प्रकार की ठंड है और किस प्रकार से आप जो है उस ठंड से बचना चाह रहे हैं? ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब सुबह आग के पास बैठते हैं, शाम तक आग के पास ही बैठे रहते हैं और पूरे कपड़े पहनते हैं ताकि ठंड से बचा जाए, बीमार नहीं हो। बिल्कुल, ठंड से जो है पूरे कपड़े पहनना जो है वो जरूरी है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, हालांकि जिस प्रकार से किसानों के लिए बेशक से जो है ठंड जरूरी है, क्योंकि अगर ठंड नहीं होगी तो फसलें जो है वो नहीं हो पाएंगी, गेहूं का जो दाना है वो छोटा रह जाएगा। क्या कहेंगे आप ठंड को लेकर के कि किस प्रकार की सर्दी है इस बार उत्तर भारत के अंदर, और भिवानी की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से आप लोग जो है बच रहे हैं? ठंड बहुत ज्यादा है भाई साहब, लेकिन फसलों के लिए काफी जरूरी है ये ठंड भी, और आवारा पशुओं के लिए जो घूम रहे हैं ना उनको काफी नुकसान है जी, उनको ठंड से काफी परेशान है जी। बिल्कुल, जो मवेशी है वो भी काफी परेशान है ठंड के कारण, आप क्या कहेंगे भाई साहब? देखो भाई साहब, अब की बार जो सर्दी है उसमें दिन रात में कोई अंतर नहीं है, और इस सर्दी ने जो पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा इस सर्दी ने, तो बस यही है अपने मतलब अच्छे से कपड़े पहन के बचाओ करे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि दिन में और रात में कोई अंतर नहीं है फिलहाल सर्दी में। बिल्कुल, पूरे जो है दिन और रात में कोई अंतर नहीं है, पिछले 7 दिनों से जो है सूर्य देवता के दर्शन तक जो है नहीं हो पाए हैं। भाई साहब, आप क्या कहोगे ठंड को लेकर के, ठंड जो है वो काफी जो है ज्यादा है, 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर जो है भिवानी के अंदर ढापा जा रहा है, क्या मानते हैं आप? अब की बार बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, इसमें कोई दौरा नहीं है, सभी आग का सहारा लेकर ठंडे कपड़े गर्म कपड़े पहनकर आपका बचाव कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, इस सभी को, बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को भी बड़ा असर पड़ रहा है, सभी को अपना सर्दी से बचाव करना चाहिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों की भी यही राय है कि ठंड से बचने के लिए वो अलाव का सहारा ले रहे हैं, वो बाहर जो है पूरे कपड़े पहन करके जो है ठंड से बचाव कर रहे हैं ताकि जो ठंड है वो ना लगे, क्योंकि ठंड जो है इन दिनों काफी ज्यादा पड़ रही है और ठंड के कारण जो है जुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह के जो मरीज हैं वो भी लगातार हॉस्पिटलों के अंदर आने लगे हैं। हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि वो पूरे कपड़े पहन करके ही बाहर निकलें और स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही कार्य करें। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।